हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फुल मून की एनर्जी। ओके, फुल मून की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है? ओके, सो हर एक मंथ में एक फुल मून होता है। इस मंथ में भी बहुत ब्यूटीफुल मून है। ओके, चंद्रमा। किसी का आज है, कोई आउट ऑफ कंट्री इंडिया रहते होंगे तो उनका कल हो सकता है। ओके, सो एनर्जी तो फ्लो हो रही है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके तरफ फुल मून के। ओके, इस एनर्जी के साथ में हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा ये सोल लेवल पर भी हो सकता है या स्पिरिचुअल भी हो सकती है रीडिंग गाइस। ओके, या आपके वर्क के रिलेटेड भी हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट होता है जरूर रखिएगा। ब्लेसिंग तो सभी के लिए होती है, ऑल ऑफ यू, सबके लिए ही ब्लेसिंग्स होती है। कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं हमारे लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। तो मेरा दूसरा भी चैनल है, मैं वो कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। और वैसे भी मैं वीडियोज़ बहुत सारे अपलोड करती हूँ, आप जाकर वो भी देख सकते हैं अगर न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो। थैंक यू एंड वेलकम टू माय चैनल, थैंक यू गाइस। सो मैं यहाँ पर लेती हूँ कि फुल मून आपके तरफ क्या ब्लेसिंग दे रहा है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ओके, या अपने करियर से देख रहे हो, ये रिलेट करेगी। ओके, वाह क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ओके, जो मैंने अभी कहा वही ये कार्ड आया है। मैं जो अभी कह रही थी कि स्पिरिचुअल हो सकता है या आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये एनर्जी यहाँ तक आई है। वाह, सो बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन, बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, यानी आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन अपने आप को कह रहे हो तो प्रैक्टिकल भी आप थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करो, यानी प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। यानी दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करो। ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ आप स्पिरिचुअल हो और आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आप कहोगे कि नहीं, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, ये पर्सन को मैं कुछ उल्टा जवाब दे दूंगा तो मुझ पर बैड कर्म आएगा। नहीं, यहाँ पर वैसे नहीं रहता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो बट आपके अंदर वो करेज या वो दिया जाता है, तो अगर आपको कोई पर्सन अगर बॉर्डर कर रहा है जानबूझकर, जिसका रीज़न आपको पता भी है कि ये पर्सन हमें जानबूझकर बॉर्डर कर रहा है या मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल सोचना होता है या बनता है, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली जवाब देना पड़ेगा। इसमें बैड कर्मा नहीं होता है। ओके, उनको उल्टा जवाब, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कन्फ्लिक्ट करो या आप जाकर झगड़ो या जाकर बहुत ज़्यादा आप ये करो। ओके, उस तरह से नहीं, बट प्रैक्टिकली सोचो कि क्यों हम, अगर स्पिरिचुअल है तो क्यों हम किसी के हरासमेंट सहे। यानी भगवान कभी नहीं चाहता है कि हम किसी की बात बार बार मानते रहें, जो कि हम प्योर सोल हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, पर जिनके लिए भी होगा सो ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर, कि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको प्रैक्टिकल रहना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रैक्टिकल भी रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अपने आप को दोनों तरफ से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। ओके, और अभी तक जो भी सेट नहीं हुआ है, ओके, सो उसको सेट करने का ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ गई है। सो और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच, फुल मून की ब्लेसिंग आपके तरफ, आप ब्लेसिंग ही आ रही है, एडजस्टमेंट आ रही है। ओके, सो जहाँ पर एडजस्टमेंट करना है एडजस्टमेंट कीजिए, बट प्रैक्टिकली भी रहिए। यानी दोनों, ये कार्ड यही सोच रहा है, जहाँ पर हम कहते हैं ना, जितना उजाला है उतना अंधेरा भी है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी है इस दुनिया में उतनी निगेटिव भी एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी को फिर से अगेन वही आया है,
सो दोनों एनर्जी को कम्प्लीटली बैलेंस सीखें। आप कहोगे या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे कि लोग बुरे क्यों हैं, या क्यों चीट करते, क्यों मैनिपुलेट करते, क्यों तकलीफ देते हैं, तो दोनों इस दुनिया में दोनों टाइप के लोग हैं और दोनों दोनों तरह के काम होते हैं। सो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। सो आपको क्या लेना है या आपके तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर चीज़ को आप उस तरह से बैलेंस कीजिए, उस तरह से बैलेंस कीजिए। ओके, सो निगेटिव से आपको पॉजिटिव बनना है और आपको आपके जीवन का अंधेरा जो भी है, ट्रॉमा है, वो निकाल देना है और आगे आगे बढ़ना है। बट हाँ, अगर वही उलझन में आप रहोगे, बार बार वही उलझन में रहोगे कि क्यों भगवान ऐसे लोग भेज देते हैं या क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, वहाँ पर स्टक ना होना है। ओके, सो आपकी तरफ ब्लेसिंग यही आ रही है कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ रियालिटी दिखाना चाहते हैं। ओके, कुछ आपको प्रैक्टिकल अनुभव एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं कि जिसको आप बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख लो। ओके, ये टाइम आ चुका है कि आपको कुछ सीखना है अपने लिए, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। ओके, यू एंड यूअर लव वंस आर सेफ। ओके, अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपको बार बार डाउट आ रहा होगा यानी निगेटिव थाट्स आ रहे होंगे, तो वो डर निकाल दीजिए। ओके, बच्चों से भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं, आपके बच्चे सेफ रहेंगे। ओके, सो इमोशंस रनिंग एन हाई। ओके, बहुत ज़्यादा अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हो, बट वो हाई किस लिए हो रहे हैं वो देखना है, पॉजिटिव के लिए हाई हो रहे हो या निगेटिव के लिए। निगेटिव के लिए हाई हो रहे हैं तो प्लीज़ उसको काम डाउन, नीचे लाइए। ओके, उसको बढ़ने मत दीजिए। ओके, सो यहाँ पर सोल लेवल पर क्या, ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फुल मून और ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। या सॉरी गाइस, सो ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं डिवाइन, और फॉलो योर विजन। ओके, सो नेवर लॉस साइट ऑफ व्हाट इज रियली इम्पॉर्टेंट। जो बात इम्पॉर्टेंट है उसको आपको भूलना नहीं है, चाहे आप जो भी जर्नी में हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम को कभी भूलना नहीं है। ओके, वो अनकंडीशनल लव होता है, वो अनकंडीशनल लव एज इट इज़ अपने लाइफ में रखिए, अपने मन में रखिए और अपना जो भी विजन है वो क्लियर रखिए। ओके, एनर्जी इस तरह आ रही है। और जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, ओके, उस इंट्यूशंस को आपको लेना है। रिलीज योर इनर रिवर, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। सो यहाँ पर है कि यस डेफिनेटली आप अपनी एक अपना विजडम बनाइए, अपने एक अपनी एक दुनिया बनाइए। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलीज मीन्स अपने आप को, अगर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रख रहे हो, बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा, और अपने आप को खुल कर जीने के लिए आप रेडी नहीं हो, तो यहाँ पर डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको ना, आपको उसमें से निकलना है, आपको अपनी एक दुनिया बनानी है, अपना एक सक्सेस बनाना है, एक रियलिटी की तरफ जाना है। ओके, अपनी एक अपना एक खुद का विजडम बनाइए, यहाँ पर एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है पास्ट। ओके, डेफिनेटली पास्ट। ओके, अपने पास्ट को फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास्ट जो है, बार बार अगर आप पास्ट को याद कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना है। पास्ट चला गया है, पास्ट खत्म हो गया है, पास्ट कभी रिटर्न नहीं आता है। ओके, जो पास्ट है, ओके, उसको आपको रिलीज कर देना है और आपको प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देना है। सो ये ब्लेसिंग आ रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक मैजिकल फ्लो में हो और आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही है। उस मैजिक, उस मिराकल, उस अपने अंदर के एक हुनर को, उसको जानना है, उसको पहचानना है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यानी यहाँ पर फुल मून आपको कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ आपके अंदर, मे बी आपके अंदर आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर मिलेगी और उस ब्लेसिंग को रिसीव करना है और उस ब्लेसिंग पर आपको वर्क करना है।
ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखते हैं न्यू फुल मून आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या आपके तरफ ब्लेसिंग आ रही है फुल मून की। थैंक यू सो मच जी। ओ सो ब्यूटीफुल, विजडम, सबसे पहला कार्ड विजडम जो मैंने अभी डिस्कस किया है। यस, डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स सभी आपके साथ में हैं, आपको विजडम देने के लिए वो रेडी है। आपको आपका जो भी विजडम है वो लेना है। आपको ना गॉसिप करना छोड़ देना है बहुत ज़्यादा, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा बातों में, या आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी बस लोगों को बताते जा रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो। सो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं, या ये ब्लेसिंग आ रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, आपको हर चीज़ का यहाँ पर एक्शन लेना है। अब अर्थ गाया के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ प्लांटेशन करना चाहते हो, समथिंग, तो आपका जो पास्ट लाइफ का जो भी रिकवरी है उन्हें, ओके, जो भी आपका पास्ट लाइफ का जो भी, मैंने कहा ना अभी कि यहाँ पर आप अगर स्पिरिचुअल हो तो डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं, फुल मून आपको कुछ देना चाहता है। डेफिनेटली आपके तरफ एक ब्लेसिंग आ रही है, आपके तरफ एक की आ रही है, एक नए गेटवे की। सो उस गेटवे को ओपन करना है, ओके। सो कन्फ्यूजन से दूर हटिए, और डिवाइन यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन से ही निकाल रहा है, एक्चुअल में आपके इल्यूजन से आपको बाहर निकाल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो विजन, यहाँ पर जो कार्ड आया था कि विजन, आप विजन को फॉलो कीजिए, ओके, फॉलो योर विजन, जो दिख रहा है आपको उसको फॉलो करते जाइए, तो आपका कन्फ्यूजन, इल्यूजन जो भी होगा, मैनिपुलेशन जो भी होगा, वो दूर होता जाएगा, ओके। और आपको स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, ना कि टाइम यहाँ पर उस तरह से वेस्ट करना है या गॉसिप करते बैठना है, नो। आपको फोकस करना है, आपको जो सीखना है, जो आपके तरफ आ रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है और वो सीखना है, और उसके लिए आगे जाना है। एंसेस्टर आपको प्लेस कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करोगे, लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगेंगे, ओके। लोग यहाँ पर शॉक हो जाएंगे कि आपके अंदर ऐसे क्या चेंजेस आ गए हैं कि यस, आप कुछ अलग ही दिख रहे हो या अलग ही महसूस हो रहे। एक एनर्जी यहाँ पर इस तरह आ रही है कि यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए, यानी आपको चेंज होने के लिए वो ब्लेसिंग दी जा रही है, ओके। आपके जीवन में एक बड़ा सा बदलाव लाने के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। वाह, दो सर्स यहाँ पर है, सेलिब्रेशन। सो आपको यूनिवर्स के तरफ से पूरी तरह, ओके, यहाँ पर पूरी कायनात आपके लिए वर्क कर रही है, पूरी एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी जो बोलते हैं, वो आपके तरफ आ रही है, पूरी तरह सोर्स आपके तरफ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, एक अलाइनमेंट आ रहा है, एक सेलिब्रेशन आ रहा है, तो उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। वाह, अगर आप यहाँ पर स्टार सीड हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप रियल क्या हो ये आपको यहाँ से पता चलेगा, आपकी एनर्जी रियल, आप इस यूनिवर्स में क्यों आए हो, इस यूनिवर्स में कह रही हो, इस धरती पर क्यों आए हो, और इस धरती पर आकर एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका वर्क क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, एवरीथिंग, आपको क्या यहाँ पर करना है, ये सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा। और आपको उस जो आपका बहुत ज़्यादा जो एग्जॉस्टन हो रहा था वो सब निकल जाएगा। आप जो जहाँ पर स्टक थे, या आपको ऐसे लग रहा था कि मैं पूरी पूरा बंधा हुआ हूँ, तो वहाँ से आप कम्प्लीटली निकल जाओगे। ये एनर्जी यहाँ पर है, साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांति, और आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, ओके। यहाँ पर है मैक्सिमम साइकिक लेवल आपकी बढ़ेगी, आपके इंट्यूशंस बढ़ेंगे, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सो ब्यूटीफुल, क्लींजिंग टू द पास्ट, यानी यहाँ पर फुल मून आपको आपका पास्ट क्लीन कर रहा है गाइज। आपका आप देखोगे कि आपका पास्ट ना धीरे धीरे भूलते जा रहे हो, आपको महसूस होगा, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है, और आप धीरे धीरे अंदर से शांत होते जा रहे हो, आपके इंट्यूशंस अपने आप में आप खुद को सर्च करने लगे हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, ओके। सो गाइस, मैं यहाँ पर टाइम डेक से लेती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा कि मेरा ये काम कब तक होगा, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ओके, उसको 3 बार आप रिपीट कर सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन का आंसर निकाल रही हूँ कि आपका कोई पेंडिंग वर्क होगा या जो भी होगा, सो आप पूछ सकते हो।
तो यहाँ पर उसका आंसर डिवाइन देंगे. डिवाइन, थैंक यू सो मच. यहाँ पर आंसर आया है सितंबर, सितंबर मंथ. ओके, सितंबर मंथ है, अराउंड रेनी सीजन भी आया है. ओके, और यहाँ पर है किसी किसी का काम यहाँ पर हो सकता है समर में. ओके, समर तक. ओके, ये एनर्जी समर, टुडे, टुडे भी हो सकता है. ओके, सो अराउंड यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है कि जिसका आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि आपका वर्क जो भी होगा वो वर्क आपका जल्द से जल्द होगा या नहीं होगा. ठीक है, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद.